हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक सोर्स एंड लेट्स एट द प्रोग्रामिंग। तो हम बात करते हैं कि जब भी हम एक अपना कंप्यूटर या सीपीयू असेंबल करते हैं तो हम सब कुछ लगा लेते हैं, पावर सप्लाई एक्सेट्रा, हम सब कुछ मतलब लगा लेते हैं। तो हम आके रुकते कहाँ हैं, इन वायर्स पे, जो हमारी ये कैबिनेट की 5 वायर्स होती हैं, हम आके इन पे रुक जाते हैं कि हमें इनको कहाँ से कैसे प्लग इन करना है। तो मैं आपका टाइम ना लेते हुए सिंपल बहुत ही 2 या 3 मिनट में इन सबको आराम से आपको बताता हूँ कि इनको आपको कैसे कहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस केबल की। जैसे कि ये केबल है, अगर इस केबल को हम देखें तो इस पर लिखा है HD ऑडियो। तो हमें ये कहाँ पे प्लग करनी है, अगर हम बोर्ड में देखें तो ऑडियो को हमें कहाँ पे मिलेगा, ऑडियो को हमें वो जो कॉर्नर में है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें वो दिखेगा जो कि लिखा है एफ ऑडियो, मतलब फ्रंट ऑडियो। तो हमें करना है इसमें इसको प्लग इन। तो हमने सिंपल इसको उसमें प्लग इन कर दिया। अब बात करते हैं हम इस वाली वायर्स की। तो इस वायर को अगर हम देखें तो इस पर क्या लिखा है, USB। तो हम इसको USB वाले में प्लग इन करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप देखें तो USB 1 एंड USB 2। तो हम इसमें से USB 2 में इसको प्लग इन करेंगे। आप प्लग इन करने से पहले ये देख ले, इस पर एक कट का निशान होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक कट का निशान है साइड में इस कट को, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक कट है। तो हम इस कट को ध्यान से देखते हुए इसको करेंगे प्लग इन। तो हमने इसको कर दिया प्लग इन। अब बात आती है हमारी थर्ड वायर, जो कि हमारी ये थर्ड वायर है, इस पर लिखा है USB 3.0। तो हम इसको 3.0 में अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक प्लग है USB 3.0 का, ये वाला। अगर हम देखें तो इस पर 3.1 लिखा हुआ है। तो हम इस पर करते हैं इसको प्लग इन। तो हमने इसको कर दिया प्लग इन। तो बात आती है इन केबल्स की, इन केबल्स को हम कैसे प्लग इन करेंगे। इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी वायर किस चीज़ की है। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो हमें एक ये पावर LED प्लस एंड पावर LED माइनस। ये पावर LED माइनस की केबल है। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो हमें पावर LED प्लस और पावर LED माइनस की वायर दिखेगी। तो यहाँ पे पावर LED प्लस एंड पावर LED माइनस। तो हमें बोर्ड में देखना पड़ेगा कि वहाँ पे पावर LED की कौन सी वायर है। तो हम देखें तो यहाँ पे पावर प्लस एंड पावर माइनस आपको दिख गया होगा। तो हम पावर माइनस में करेंगे पावर माइनस को प्लग। ये पावर प्लस है ग्रीन वाली, तो हम इसको पावर प्लस में करेंगे।
तो हमने इसको लगा दिया पावर प्लस में। तो अब आती है बात पावर माइनस की। पावर माइनस की बिल्कुल इसके पास है, तो पावर माइनस की एलईडी को हम लगा देते हैं इसके पास में। पावर माइनस हमने इसके पास में लगा दी। अब हम जाते हैं दूसरी केबल पे। तो हमारी ये दूसरी केबल अगर हम देखें तो हमें ये मिली है रीसेट की, तो हम इसको लगाएंगे रीसेट। रीसेट हमारा अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ये साइड में दिख रहा है रीसेट। तो हमने इसको रीसेट वाली में लगा दिया। उसके बाद हम वायर लेंगे अपनी ये, तो हमें मिली है HDD LED। तो HDD LED अगर हम बोर्ड में देखें तो हमें मिलेगी HLED। तो हम इस वाली में इसको प्लग इन करेंगे। तो हमने इसको इसमें प्लग इन कर दिया। हमारी लास्ट केबल रहती है अब पावर की। अगर हम इस पे देखें तो हमें सारी उस पे लिखा मिलता है पावर, तो हम ये पावर की केबल है। तो हम इसको अपने इसमें करेंगे। इस पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमें पावर भी दिख जाएगा कि हमारी पावर कहाँ पे है। तो ये जस्ट रीसेट के ऊपर हमारी पावर ऑन ऑफ का है। तो हम इसको करेंगे इसमें प्लग इन। हमने सिंपली सारी वायर्स को इसमें प्लग इन कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सारी वायर्स, जितनी भी वायर्स थी हमारी, हमने उन सब को प्लग इन कर दिया। तो हमने इसको अच्छे से प्लग इन कर दिया। तो इसको प्लग इन करने के बाद हम इसको चला के देखते हैं। तो हमने जैसे इसको प्लग इन कर दिया, उसके बाद हम पावर बटन ऑन करके देखेंगे। और जैसे ही हमने पावर बटन ऑन किया, हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। पावर LED यहाँ पे ब्लिंक कर रही है, फैंस चल चुके हैं। अगर हम रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा सिस्टम रीसेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने रीसेट बटन पे क्लिक किया, हमारा सिस्टम भी रीसेट हो चुका है। हमारी LED ब्लिंक्स कर रही हैं, मतलब सारी केबल्स हमारी अच्छे से लगी हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें ताकि आपको नई से नई अपडेट मिलती रहे।